दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बददुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, भगवान तो केवल नियत देखते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं है, असली धनवान तो वो है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। किसी ने सच ही कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। मकान तो बन जाएगा सिर्फ चार दीवारों पर, घर तो बनता है स्नेह, समझ और समझदारी से। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि रोज़ तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हौसला मत हार, अगर मुझे दर्द मिला है तो दवा भी ज़रूर ही मिलेगी। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को ज़रूर सुधार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। ये पांच चीज़ें अभी से छोड़ दो, जिंदगी में बहुत खुशी रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज़्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज़्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतज़ार करें, क्योंकि समय ज़रूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जितना इंतज़ार वो आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। अपनी ज़िंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे ज़िंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे तो तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वह दो कारण देगा। मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे पास समय ही नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसीलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। जैसे किसी पाषाण के अगर सोना बनना हो तो उसे घिसना पड़ता है, तपना पड़ता है और आग में जलना भी पड़ता है, उसी तरह एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको अत्यंत से अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। वक्त ज़रूर आता है, पर सही वक्त पर ही आता है, इसलिए सब्र बनाए रखें। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते वे लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो, मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी कीमत ही गिर जाएगी।
इसलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर ही रहो। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है वो दुनिया सिखा ही देगी। जहाँ जिसका दाना रहता है, समय उसको अपने पास बुलाता है। कोई किसी के हक्का नहीं खाता। केवल दो चीज़ों से संसार सारे रिश्ते खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी बोया जाएगा बढ़ता ज़रूर है, चाहे वे विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी नहीं कर सकती दुनिया उसकी बदनामी करना चालू कर देती है। गुस्से का सीधा साधा मतलब है किसी और की गलती की सजा खुद को देना। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिले तो वहाँ से निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रो रो कर हंसने का मज़ा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की ज़रूरत नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। जिंदगी एक बार मिलती है, गलत है, बल्कि मौत सिर्फ एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज़ मिलती है। जिस दिन आप आपकी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, आपको कोई भी नहीं रुला सकता। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। हमेशा अपनी नज़र उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है, आप अपने राज किसी को ना बताएं। ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरे पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से खाता है। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। देना शुरू कर दो, आना खुद ही शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और दौलत भी। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियाँ दिखाई देती है और ना ही दूसरों की अच्छाई दिखाई देती है। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियाँ आएंगी उतना ही आप मजबूत बनते जाओगे, और जितना आप मजबूत बनते जाओगे ज़िंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही ज़िंदगी का नियम है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होके लिया जा सकता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पे टालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो उसे आज ही कर डालो। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा ज़रूर होता है, मगर विश्वासघाती नहीं। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे तुम पसंद करना सीख लो। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत खो देने के बाद। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी इस दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना ज़रूर पड़ता है। बेइज्जती का जवाब
इतनी इज्जत से दीजिए कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। आप जब तक अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे, तब तक कभी भी आप अपनी समस्या और कठिनाइयों को नहीं मिटा सकते। जितना ज़्यादा हो सके सुनो और जितना हो सके उतना कम बोलो। इसलिए शायद भगवान ने हमें दो कान और एक ही मुंह दिया है। माफ़ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। ज़िंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी के 20% लोग खुश होंगे कि आपके जीवन में ये समस्याएं हैं। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।